गुड मॉर्निंग सैनिक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्यूब रूट। क्यूब रूट जिसे हम कहते हैं 1/3। तो 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। सॉरी, अगर ये ऐसे दिया होता तो इसका मतलब होता 1/2, है ना। अगर ये 4 दिया होता तो इसका मतलब होता 1/4, है ना। तो ये जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है ये इसके बराबर होता है ना। तो देखते हैं ज़रा, एक इससे पहले टॉपिक ज़रा सा आप ध्यान करेंगे किस तरीके से। देखिए, जैसे मैंने स्क्वायर में भी बताया था और क्यूब में, देखिए अगर 1 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है ना, और 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8। जस्ट एक बार इसको देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, वैसे हमें तो इस लास्ट वाले नंबर से केवल मतलब होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, लास्ट में 4 है। और अगर 5 का क्यूब करें तो 125 होगा, इसमें लास्ट नंबर हमारा 5 है। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, लास्ट में कितना है, 6 है। अगर हम 7 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 329। 7 का क्यूब 343, लास्ट में कितना आया, 3 आया। अगर 8 का क्यूब करें तो 512 आएगा, लास्ट में कितना है, 2। और 9 का क्यूब करें तो 729 आएगा, लास्ट में है 2। और 10 का तो सभी को पता है कि हाँ 1000 होगा, तो लास्ट में 0। इसके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक देखिए क्या है, अगर लास्ट नंबर 2 आए तो हमारे आंसर में 8 आएगा, अगर लास्ट नंबर 3 आए तो हमारे आंसर में 7 आएगा। और बाकी 6 आया है तो 6 के लिए 6 होगा, 5 आया है तो 5 होगा, 1 आया है तो 1 के लिए 1 ही होगा, और 9 आया है तो लास्ट में 9 ही होगा। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बैठा सकते हैं, वैसे तो बैठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। देखिए पहले लेते हैं, पहले देखते हैं ये है क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या है, होता है ये। देखिए अगर हमसे कोई पूछता है 2 का क्यूब, तो हम डायरेक्टली आंसर देते हैं 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8। और अगर 3 का क्यूब पूछता है तो हम आंसर देते हैं 27। ठीक उसी तरह अगर 8 का क्यूब हमसे पूछता है तो 512 देते हैं, और 11 का देते हैं 1331। अगर कोई हमसे 12 का पूछे तो हम देते हैं 1728। क्या देते हैं, 1728। तो इसको जरा सा आगे और फर्दर प्रोसीड करते हैं। सॉरी, देखिए 12 का हमने देखा था, 12 का हमारा आंसर आया था 1728, है ना, ये क्यूब था। लेकिन कोई आपसे अगर ये पूछे 1728 ऐसे लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो एक मेथड तो हमारा बड़ा कॉमन सा मेथड है 1728 का, आप एलसीएम लीजिए और 3-3 का पेयर बनाइए। कितने का, 3 का। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 है ना, इसलिए 3-3 का पेयर बनाइए। लेकिन इस ऐसा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए छोटा सा मेथड देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हाँ भाई 2 के लिए लास्ट में कितना आ रहा था हमारा, 2 के लिए 8 आएगा और 3 के लिए 7। तो देखते हैं यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो 8 ये क्यूब है, इसीलिए 3 हमें छोड़ना है, कितने छोड़ना है, 3। तो इन तीनों का काम अभी ख़त्म हो गया, इन तीनों से हमने आंसर देख लिया कितना आया, 2। अच्छा 1 है लास्ट में, तो 1 किसके क्यूब के आसपास में है, 12। तो 1 किसके आसपास, क्यूब के, 1 के आसपास, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1728 अगर लिखा है आपके सामने तो इसके क्यूब का आंसर हो जाएगा 12। एक सेकेंड में सॉल्व हो गया, नहीं तो आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके फिर आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेथड और कहीं ज़्यादा अच्छा मेथड ये है, जैसे हमने स्क्वायर रूट में आपको क्या सिखाया था, स्क्वायर रूट में जैसे स्क्वायर रूट था 7, 7, 4, 4, तो इसके अंदर दो ऑप्शन आपके बनते थे, है ना। तो कैसे बनते थे, 2 और 8, और ये किस, ये स्क्वायर रूट था इसीलिए मैंने आपको 2 छुड़वाया था, ये क्यूब रूट है इसीलिए कितने छुड़वाए हैं, 3 छुड़वाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर रूट का मतलब 2 और 8 होता है ना, या तो लास्ट वाले नंबर का या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 8 × 8 = 64 और 2 × 2 = 4, है ना। और ये 77 देखना था किसके स्क्वायर रूट के आसपास था, स्क्वायर के आसपास, तो 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81। तो 9 तो ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है आप 8 लेते थे।
और 8 के नेक्स्ट नंबर से 9872 आता था, और इसको और इससे आप कंपेयर करते थे, है ना। तो इसको जब कंपेयर करते थे तो ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर कितना होता था, 88। देखा जाए तो स्क्वायर रूट की ट्रिक ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई कंपेरिजन नहीं है, एकदम आसानी से आंसर आ जाता है। मान लीजिए इसके आगे हम देखते हैं, हमारे पास 2197 एक नंबर दिया हुआ है, 2197। तो क्यूब निकालना, हमने आपको बताया था अगर 7 है, ये देखिए 7 है तो 3 आएगा, और 3 होता तो 7 आता, 2 है तो 8 आएगा, 8 होता तो 2 आता, इसका लॉजिक भी हमने बताया था। क्यों? क्योंकि ये लास्ट नंबर आपको देखने है ना। देखिए आगे, तो 7 है लेकिन ये क्यूब है, इसीलिए हमें कितने नंबर छोड़ना, 3। तो 3 छोड़ना है तो 7 के लिए हम जाहिर सी बातें 3 लिखेंगे, है ना। और 2 किसके क्यूब के आसपास में है, 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो गया इसलिए इसको नहीं लेना है, तो 1 इसका राइट आंसर कितना होगा, 2197। मान लीजिए एक नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ एकदम आसान आसान है, आसान है, एकदम हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, 91125। ये देखिए ये क्यूब है ना, क्यूब रूट है तो 3 छोड़ने है ना, 3 मतलब ये 5, लास्ट में 5 के लिए 5 ही आएगा, हमने बताया था पहले ही आपको, 5 के लिए कितना आएगा, ये रहा देखिए 5 के लिए कितना बताया, 5। क्यों? 5 का क्यूब तो 125 होता है ना, लास्ट में कितना आया, केवल 5 आया, इसीलिए 5, तो 125। और देखिए 91 जो है किसके क्यूब के आसपास में है, 5 का 125 हो गया तो इतने ज़्यादा हो गया, और 4 का 64 हुआ, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, 45 का। तो दिस इज माई डायरेक्ट आंसर, है ना। एक और देखते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड और ले लेते हैं। मान लीजिए 438976, SSC हो, बैंकिंग हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे हार्ड क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछे जाएंगे, वैसे पूछे नहीं जाते हैं। तो देखिए ये क्यूब रूट है ना, तो 6 है, तो 6 के लिए हमने आपको क्या बताया, 6 के लिए तो 6 ही आएगा, है ना, बताया था इसमें। देखिए 6 के लिए क्या आया है मेरा, 6 आया, तो 6 के लिए 6 मैंने लिख दिया, लेकिन छोड़ने कितने हैं, 3, क्योंकि स्क्वायर अगर होता तो 2 छोड़ना, तो क्यूब है तो 3 छोड़ना है। तो देखिए 438 किसके क्यूब के आसपास में है, 6 का देखते हैं 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 तो ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा पे तो हमें जाना नहीं, तो 7 का 343, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 76। एक और देखते हैं, इससे ज़बरदस्त सवाल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हार्ड आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए ये मान लीजिए लिखा है नंबर मेरे पास क्यूब 180867 इक्वल, ये कितना आएगा, अगर हम देखें तो क्यूब रूट है तो 3 हमें छोड़ना है, 7 है तो 7 के लिए आपको बताया, या तो 3, 7 के लिए क्या बताया था आपको, देखिए 2 के लिए 8 और 3 के लिए 7, अगर 7 आया है तो 3 कितना आएगा, 3, 7 के लिए मैंने कितना लिख लिया, 3। और 1860 जरा देखिए किसके क्यूब के आसपास में, देखते हैं 11 का तो 1331 होता है, 12 का होता है, 12 का होता है 1728, और 13 का होता है 21, 13 तो ज़्यादा हो गया, तो किसके नज़दीक है ये, 12 के क्यूब के आसपास, तो मेरा आंसर डायरेक्ट हो गया 123। नहीं तो देखिए आप इसका एलसीएम लेते तो शायद पेज भर जाता, तब भी हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, क्लियर। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं उसके बाद में। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा एज रिलेशन, तो कल से स्टार्ट करेंगे एज रिलेशन। देखते हैं एक दो सवाल और छोटे छोटे ताकि आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आता है 3375, क्या है 3375, है ना, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बोला क्यूब है ना, तो क्यूब तो लास्ट में कितना है, 5, तो 5 है तो 5 के लिए मेरा कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। और 3 है तो 3 किसके क्यूब के आसपास में है, 1 के, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15, है ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 681472, है ना, ये देखिए ये 3 है तो क्यूब है ना, क्यूब रूट, क्यूब रूट है तो 3 छोड़ने, और 2 किसके लिए आता है आपको पता ही है, 8 के लिए आता है, किसके लिए, 8 के लिए। और 681 जरा देखिए किसके क्यूब के आसपास है, 5 का तो 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, और 9 का 729, तो 9 तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 88। एक सेकंड का सवाल है,
एक सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं ना। मान लीजिए एक और देखते हैं, 884736, इसको अंडर रूट में कर लीजिए, क्यूब रूट में सॉरी, तो क्यूब रूट में तो क्यूब मतलब तीन, तो तीन छोड़ना है तो छः, तो छः तो आपको पता है ना, छः तो छः के लिए ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया छः तो छः के लिए आएगा। और 884 जरा देखिए किसके आस पास, अभी हमने देखा था 9 का तो 729 है, 9 का 729 और 10 का 1000, तो 10 तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका आंसर कितना होगा 96। एक सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं, किसी भी संख्या को जस्ट देख करके आंसर दिया जा सकता है अगर आपको ये ट्रिक पता हो, है ना। तो एक और देखते हैं, 421875, ये देखिए क्यूब है ना, तो क्यूब है तो लास्ट में कितना है 5, तो 5 है तो तीन छोड़ना है आपको, 5 है तो 5 ही आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया 5 के लिए 5 आता है हमेशा। 421 जरा देखिए किसके क्यूब के आसपास में, तो 7 का 343, 8 का 512 और 7 का 343, तो यहाँ पे 7 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आप देख करके इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं ना। तो फिर थैंक यू, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एज रिलेशन। तो एज रिलेशन पढ़ने के लिए बहुत ही आसान मेथड होगा, हर टॉपिक एकदम एक ही फॉर्मूले से आपको सारे टॉपिक मैथ्स के कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, देखने के बाद में लाइक्स भी करें और सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद, एज रिलेशन कल तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।